हेलो क्लास सेवेंथ क्लास, कैसे बच्चों? बच्चों, आप जानते हैं कि अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं तो समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके सेकेंड टर्म एग्जाम शुरू होंगे और फिर फाइनल। तो बच्चों, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे असाइनमेंट टाइम पर नहीं भेज रहे हैं। सेवन ए से तो मुझे बहुत शिकायत है, सेवन ए तो अपना काम बिल्कुल भी नहीं भेज रही। एक दो बच्चे हैं जो कार्य को भेज रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे चुपचाप घर पर बैठे हैं, वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बाद में आप लोग खुद परेशान होते हो, ये बहुत गलत बात है बच्चों। इसलिए आप लोग समय समय पर अपना असाइनमेंट भेजिए और असाइनमेंट में अपना असाइनमेंट नंबर जरूर डालिए कि आप 20वां भेज रहे हैं, 21वां भेज रहे हैं, 22वां भेज रहे हैं या 23वां। ये आज हमारा 23वां वाला असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ जो कि आप समय पर करेंगे, ठीक है? पिछली वीडियो में आपने देखा कि आपने हिंदी साहित्य में कविता पढ़ी थी और उसी से संबंधित काम किया। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 18 सर्वनाम समझाऊंगी, ठीक है? आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे। सर्वनाम आप कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हो तो आपको याद तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ सर्वनाम, ठीक है? देखिए पेज नंबर 106 में सर्वनाम। व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों यानी संज्ञाओं के लिए उनके स्थान पर किया जाता है। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों यानी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है, उनके स्थान पर किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में एक ही संज्ञा का बार बार उसी रूप में प्रयोग ना हो, इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे एक छोटा सा मैं ये आपको बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिए, किताब में देखिए आप लोग। चित्रा, चित्रा की सहेली मैथिली के घर आई, मैथिली मैथिली के प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें लेने बाजार जा रही थी। चित्रा बोली कि चित्रा भी मैथिली के साथ चलेगी। मैथिली ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ चित्रा भी चल, चित्रा मैथिली साथ चलेंगे तो कुल्फी भी खाकर आएंगे। अब देखिए इन वाक्यों में चित्रा और मैथिली संज्ञाओं को बार बार प्रयोग किया गया है तो ये अटपटा सा लग रहा है। यदि इन वाक्यों को हम इस प्रकार लिखें तो ये अधिक प्रभावशाली बनेंगे। किस प्रकार? देखिए, चित्रा अपनी सहेली मैथिली के घर आई, मैथिली अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें लेने बाजार गई थी। चित्रा बोली कि वह भी उसके साथ चलेगी। मैथिली ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ तू भी चल, हम साथ चलेंगे तो कुल्फी भी खाकर आएंगे। अब देखिए कि इन वाक्यों में प्रयुक्त यानी इन वाक्यों में अपनी, अपने, वह, इसके, तू, हम शब्द का प्रयोग किया गया, यानी ये सब शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। इनके प्रयोग से वाक्यों का अटपटापन दूर हो गया। जैसे हमने पहले पढ़े थे वाक्य तो अटपटे लग रहे थे क्योंकि बार बार चित्रा मैथिली, मैथिली ने कहा चित्रा चल, चित्रा ने कहा तू भी चल, इस तरीके से जब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था तो अटपटा सा लग रहा था। लेकिन इनके प्रयोग से क्या हो गया? अपनी, अपने, वह, उसके, तू, हम, ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम है। इनके प्रयोग से क्या हो गया? अटपटापन दूर हो गया, भाषा में गति और प्रवाह भी आ गया। इस प्रकार ये वाक्य सुंदर और प्रभावशाली बन गए। यानी सर्वनाम शब्दों का जब प्रयोग किया गया तो उससे क्या हुई? भाषा प्रभावशाली बन गई, ठीक है? यानी हम अब देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। जब हमने मतलब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया तो उससे भाषा क्या हुई? प्रभावशाली बन गई। तो ठीक अब उसी प्रकार आप देखिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये क्या है? मैं, तुझे, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमें आदि। यानी सर्वनाम भी संज्ञा शब्दों की तरह विकारी शब्द होते हैं, यानी इनमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वचन और कारक के आधार पर इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने बताया आपको कि
कि इनमें इनका रूप परिवर्तन नहीं होता, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अब आती है दूसरी बात कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कक्षा 6 में तो आपको याद होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब आप देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कहने या लिखने वाले, यानी बोलने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी जो कह रहा है, लिख रहा है, यानी सुनने वाला, पढ़ने वाला, यानी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं ये आपको पता है, लेकिन जो उसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाला, लिखने वाला, अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला, मैं आज मैच देखने जाऊंगा, इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मनजीत मेरा पेन वापस कर दो, मैं के लिए, खुद के लिए कर रहा है ना, बोलने वाला, लिखने वाला, नाम के स्थान पर अपना नाम नहीं ले रहा लेकिन वो कह रहा है मैं आज मैच देखने जाऊंगा, ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं, हम, मेरा, स्वयं के लिए, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझसे, हमें आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाला, जिससे बात करता है, यानी सुनने वाला, अर्थात दूसरा सुनने वाला, उसके स्थान पर जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला, जिससे बात करता है, अर्थात सुनने वाला के नाम पर यानी स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठी हो, हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसको बता पूछ कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, मध्यम पुरुष है। आप खाना खा लीजिए, हम दूसरे को कह रहे हैं ना कि आप खाना खा लीजिए। उत्तम पुरुष में क्या था, वो स्वयं के लिए, और मध्यम पुरुष में जिससे हम बात कर रहे हैं यानी जो हमारी बातों को सुन रहा है उनके स्थान पर जिन सर्वनामों का होता है उसको हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तू ही मेरा सहारा है, यानी जो हमारी बात सुन रहा है, हम दूसरे को कह रहे हैं आप खाना खा लीजिए। समझ में आए आपके, ये उदाहरण इनके आप साथ साथ समझते जाइए। अन्य पुरुषवाचक यानी तीसरा व्यक्ति, बोलने वाला, सुनने वाला, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कल वापस आएगा, पहले तक हमने क्या बता क्या पढ़ा था, उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम में तुम, आप, है ना। अब देखिए अन्य में वह, वे, वह कल वापस आएगा, वे सो रहे होंगे, किसी अन्य के लिए बात कर रहे ना, उन्हें, उन्हें बुलाकर लाइए, उसे अपनी साइकिल मत देना, उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई है या उसने मेरी माँ से शिकायत की है। वह, उसे, वे, उन्होंने, उन्हें, उसने, उनके आदि की क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए आप हमारा दूसरा जो सर्वनाम, अभी तक हमने किसके भेद पढ़े, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के, निकट मतलब पास या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय
निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह ये यही वही इसी उन्हीं आदि ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय मतलब पक्का है, ठीक है। जैसे यह मेरी साइकिल है, मुझे पता है ना कि यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है, वह तुम्हारा घर है, इन्हें बाहर बरामदे में रख दो। तो क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या पास या दूर के, निकट मतलब पास या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, हमें पक्का पता नहीं है कि ये वस्तु किसकी है या उसका नाम क्या है, मतलब हमें उसका बोध नहीं है, हम निश्चित तौर पर हमें पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, निशा का कुछ खो गया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या खोया, तो हमने क्या लिखा है, हम क्या कह रहे हैं कि निशा का कुछ खो गया है। कुछ में मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या खोया, हमें पक्का पता नहीं है कि उसका क्या खोया है। किसी का रुमाल गिर गया, किसका गिरा है पता नहीं है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक। शायद कमरे के बाहर कोई खड़ा है, कोई यानी पता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए आप प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। क्या बताया मैंने, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूं आपके पास क्या है, या कागज का गोला किसने फेंका, या कक्षा में ऊंची आवाज में कौन बोला, क्या कौन किसे किसने, ये शब्द जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। आप देखिए संबंधवाचक, यानी जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के आपसी संबंध को बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपवाक्य जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, परिश्रम करेगा सफल होगा, इनको कौन जोड़ रहे? संबंधवाचक, जो जिसका संबंध किससे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो और वह, जो और वह, ये क्या है? दोनों का आपस में संबंध है, जो परिश्रम करेगा जो मेहनत करेगा वही तो सफल होगा ना, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए दूसरा उदाहरण, जिसे आपने बुलाया वह तो बाहर खड़ा है, जिसे वह, जिसे आपने बुलाया वह, जिससे किसका, वह, जिसे का संबंध किससे, वह से है, जो जीता वही सिकंदर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बस आपको इतना याद करना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संबंधवाचक में कौन से, और पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों में किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के आपसी संबंध को बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए अंतिम हमारा जो है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोगकर्ता क्रिया स्वयं के महत्व तथा योगदान को बताने स्वयं के लिए करता है। साधारण भाषा में देखिए आप, जिन सर्वनामों का प्रयोगकर्ता यानी काम करने वाला स्वयं के लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब अपना, अपने लिए, मैं अपने आप खाना ले लूंगी, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। विभोर कार का टायर खुद बदल रहा है, स्वयं खुद के लिए कर रहा है, खुद मतलब स्वयं बदल रहा है, आप इसे स्वयं चलाकर देखिए, ठीक है। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता क्रिया में स्वयं के महत्व तथा योगदान को बताने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान दीजिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और उनको आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसी से संबंधित मैं आपको कार्य दूंगी।
आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उनके बारे में अच्छे से पढ़कर याद करना है और उसके उदाहरण भी आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग समय समय पर कार्य भेजिए और उस कार्य को पूरा कीजिए, सही कीजिए और समय पर मुझे भेजिए, याद भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।